नमस्ते एवरीवन। साथियों, मैं आज आपसे इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात करने वाला हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब होता है कि इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मैं कहीं दूसरे को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। उसे अपनी एबिलिटीज़ पर, स्किल्स पर, अपनी क्षमताओं पर डाउट होने लगता है। उसे लगता है कि मैं भी कैपेबल इनफ नहीं हूँ जिस काम को मैं कर रहा हूँ, या तो उसको करना बंद कर देता है या एक्शन नहीं लेता है। उसके दिमाग के अंदर अपनी क्षमताओं के प्रति सेल्फ डाउट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अंदर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ इमेज अपने आप में ख़राब हो जाती है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, एक्शन नहीं ले पाता, रुक करके खड़ा हो जाता है। उसको लगता है अभी और सीखना बाकी है, और समझना बाकी है, और वो इसी तरह से अपने आप में एक स्टक स्टेट में चलता रहता है। क्यों? उसको हर कदम पर लगता है कि अभी और कुछ कर लेना चाहिए, और कुछ सीख लेना चाहिए। उसे अपनी क्षमताओं पर डाउट होता है, जबकि आसपास के लोगों को बहुत बार उस पर भरोसा होता है, लेकिन लोगों का भरोसा तो उस पर होता है, उसका भरोसा खुद में नहीं होता है। इसी वजह से वो फंस जाता है, जीवन में रुक जाता है। साथियों, आप जिस दिशा में चल रहे हैं, यदि आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हैं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो अपने आप में बराबर नहीं है, मैं कहीं लोगों को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, पागल तो नहीं बना रहा हूँ, यदि ऐसी फीलिंग आपके अंदर है, तो जो भी कुछ आप यहाँ पर एक्शन लेंगे या परिणाम आपके जीवन में आएंगे वो आपके फेवर में नहीं होंगे। मेरा मतलब, आपकी हार निश्चित है। इस हार को जीत में बदलने के लिए हमें थोड़ा सा बस कॉग्निशन के लेवल पर कुछ बातें समझनी होंगी, सबकॉन्शियस लेवल पर अपनी प्रोग्रामिंग करनी होगी, और हम निश्चित ही इस सिंड्रोम से बाहर आ जाएंगे, जो आपकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ी बाधा है। मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा और उन्हें अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट करिएगा। नंबर वन, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पोस्टर सिंड्रोम में सबसे बड़ी बाधा है आपका सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी ही क्षमताओं पर आप डाउट करने लगते हैं, अपने को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको अपने सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलना होगा, और सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए आप दूसरों से कंपेयर ना करके आप अपने जीवन में पीछे जाइएगा। देखिएगा, उन पॉइंट्स को लिखिएगा, कितनी बार आपने सफलता हासिल की, जहां पर आपने कॉन्फिडेंट महसूस किया, जब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, जहाँ जीवन में आपने अच्छा फील किया, खुद के ऊपर आपका भरोसा बढ़ा। ऐसे एक नहीं, अनेक रेफरेंसेज आपके जीवन में हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं, आप उनमें जाइएगा, उसी कॉन्फिडेंस को वहाँ से महसूस करिएगा, उसी कॉन्फिडेंस को एक बार फिर से जिएगा, आपका सेल्फ डाउट वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। आपको आज अपने प्रति जो संदेह है वो खत्म हो जाएगा, आप एक ऊर्जा से भरेंगे और आपका आत्मविश्वास जगेगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया कि कंपैरिजन नहीं करनी है दूसरों से, आप अपने जीवन में जाकर के पास्ट में वो रेफरेंस उठाइएगा, उनसे कनेक्ट करिएगा जहां पर आपने रिजल्ट्स क्रिएट किए थे। निश्चित ही बहुत ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं, मगर आपका माइंड उनको नहीं दिखा रहा है, आप एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, इससे बाहर आएंगे तो आप उन्हें देखिएगा, बार बार लिखिएगा, बोलिएगा, अपने आप को रिकनेक्ट करिएगा। आप पाएंगे कि उसी वक्त आपका सेल्फ डाउट अपने प्रति आपके कॉन्फिडेंस में बदलने लगा, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। नंबर दो, साथियों, आप हमेशा सोचते हैं कि जब मुझे इतना और आ जाएगा, ये भी मैं सीख लूँगा, वो भी मैं जान लूँगा, उसके बराबर जब मुझे आ जाएगा तो मैं निश्चित ही एक्शन लूँगा, जीवन में आगे बढ़ जाऊँगा। आप अपने आप को रोकते रहते हैं। आपको जानने की ज़रूरत है साथियों, आप जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जिससे आप कंपेयर करके आज अपने आप को रोक रहे हैं, या आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ जानने के बाद में, सीखने के बाद में, इतनी स्किल्स में और एड ऑन अपनी लाइफ में करूँगा, उसके बाद मैं एक्शन लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, अभी यदि मैं करूँगा तो निश्चित ही ये लोगों के साथ में धोखा होगा। साथियों, जिससे आज अपने आप को आप कंपेयर कर रहे हैं, या जिस लेवल पर जाकर के आप सोच रहे हैं कि जब मेरे को इतना कुछ आ जाएगा, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, पहले तो आप समझ लें, बीइंग परफेक्शनिस्ट इज अ मिथ। परफेक्ट लाइफ में कोई नहीं होता, सभी अपने जीवन में आगे चल रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। जिससे आप कंपेयर करते हैं साथियों, उससे भी ऊपर कोई और है, और जहाँ पर आप हैं आपसे भी नीचे बहुत लोग हैं। ज़रूरत है आपको, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इसी वक्त आप चलना शुरू करें।
जैसे ही आप एक्शन में आएंगे, आपके डाउट्स गिरने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। जो जीवन में आपके परिणाम आएंगे वो फिर से आपके लाइफ के नए रेफरेंस बनेंगे, जो आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे। मेरा मतलब है साथियों, हर किसी से कोई नीचे है, हर किसी से कोई ऊपर है, मगर जहाँ पर भी आप हैं, आपकी आज किसी को ज़रूरत है, बहुत स्किल्स आज आपके पास हैं जो बहुत लोगों की आज तमन्ना हो सकती है, उनके पास नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप आगे बढ़ जाइएगा, आप मूव करना शुरू कर दीजिएगा उसी के साथ में जो भी आज आपके पास है, और आप पाएंगे कि आप इस सिंड्रोम से बाहर आने लगे। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर बहुत बार जब आप इस सिंड्रोम से गुजरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेरे रिजल्ट से लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। ध्यान से समझ लें, हमेशा कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे साथियों जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन इसके उल्टा आप देखेंगे तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों आपको, जो आपके परिणाम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी बातों से रेजोनेट करेंगे। आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ या आपके एक्शन लेने की वजह से बहुत लोगों का जीवन बदलने वाला है। साथियों, अभी तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हर किसी ने पसंद किया हो, अप्रिशिएट किया हो, एक्सेप्ट किया हो। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। आप बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, कृष्ण की बात करें, कबीर की बात करें, मोहम्मद की बात करें, जीजस की बात करें, साथियों इनको भी लोगों ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, सूली चढ़ाया, जहर पिलाया, मगर इनको गले लगाने वाले भी लोग बहुत थे। इसीलिए आज ये हमारे अवतार हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। समझना सिर्फ इतना है, जो भी आज हमारे पास है, जो भी आज हमारे साथ है, हमें उसी के साथ में आगे बढ़ना होगा, और यदि हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपने संदेह को गिरा पाएंगे। रुकने से आपको संदेह है, आप अपनी एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ पर संदेह ना करें। जो आज आपके पास है वो किसी की ज़रूरत है, उससे बहुत लोगों का जीवन बदलने वाला है। रुकने का मतलब ही इम्पोस्टर सिंड्रोम से आप घिरे रहेंगे। ऐसा कोई भी नहीं जिसको हर किसी ने पसंद किया हो, हर किसी ने गले लगाया हो, हर किसी ने स्वीकार किया हो। हर किसी के बारे में लोग आज भी और पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं, लेकिन जो भी आज सफल लोग हैं वो ही लोग हैं जो इस सत्य को समझते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट साथियों, जब आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो, आपको लगता है कि हाँ सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, सेल्फ डाउट मेरे अंदर रहता है, मैं क्या कुछ कर पाऊँगा, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लोगों को धोखा दे रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ, अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है, अभी मैं अधूरा हूँ, आपके अंदर एम्प्टीनेस है, तो ज़रा सोच करके चलना, आप इस परमात्मा की यूनिक क्रिएशन है। उस क्रिएटर ने आपको क्रिएट किया है, उसने अभी तक किसी को नाकारा निकम्मा नहीं बनाया है। जो आपके पास है वो जरूर किसी के लिए सार्थक है, आपको चलने की ज़रूरत है, अपने डाउट को इसी वक्त गिरा दीजिएगा। यदि आप इस भरोसे के साथ चलेंगे साथियों, तो वो परमात्मा अल्लाह खुदा वाहेगुरु आज भी आपके साथ है, उसे आज भी आपके एक्शन का इंतजार है। यदि आप चलेंगे तो हाथ पकड़कर आपका साथ चलेगा और आपके परिणाम उसकी गवाही देंगे, बस आपको चलने की ज़रूरत है। बस साथियों उस पर भरोसा करें, खुद को अप्रिशिएट करें और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएं। आप पाएंगे कि ये छोटे से तरीके, यदि आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आप को बार बार याद दिला करके कॉग्निशन के लेवल पर समझ लेते हैं, तो ये सेल्फ डाउट आपका गिरेगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम से आप बाहर आएंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही अभी आपको फ़ायदा होगा, आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा। साथियों, यदि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। साथियों, और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम से, सेल्फ डाउट से, एंग्जाइटी से, पैनिक अटैक या डिप्रेशन से, आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा 21 डे ऑनलाइन इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कर जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।